पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप 1 से 2 मिनट के अंदर ही कारपेट को काफी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नूडल्स को इसने कितनी जल्दी क्लीन कर दिया। अच्छा है क्यों? कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है नताशा, मोहम्मद बलाज, और आज हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे हमारे वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू। तो इस वैक्यूम क्लीनर को यूज करते हुए मुझे हो गए हैं 4 या 5 महीने। तो चलें सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरा वैक्यूम क्लीनर कौन सा है, उसका मॉडल नंबर, साथ अटैचमेंट्स कितनी आई हैं वो, उसके बाद दिखाती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है? और आप लोगों को बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, उसकी प्राइस क्या है। तो चलें मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ, साथ में आपको दिखाती हूँ। ओके बलाज जी, तो मेरा वैक्यूम क्लीनर है जी ये वाला, ठीक है? ये 25 लीटर वैक्यूम क्लीनर है। इसकी जो वॉट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और इसका जो मॉडल है वो है SDV9960। ये हैवी ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर है। इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और आपको डस्ट नज़र आ रही है। इसको मैंने बहुत रफली यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू देने लगी हूँ। इसका ब्रांड नेम है सिम्बो और ये तर्किश ब्रांड है। और इसके अलावा जो इसकी वॉट है ना वो है ये 2500 वाट, मतलब बहुत हैवी ड्यूटी है। इसके अंदर जो आते हैं ना वैक्यूम क्लीनर वो 800 वाट 900 वाट के भी आते हैं, पर वो किसी काम की नहीं होते, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है इसकी सक्शन होती है, इसकी सक्शन अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ जो अटैचमेंट आई थी मुझे, एक ये अटैचमेंट आया था इसका, एक ये अटैचमेंट आया था, एक ये ब्रश वाला अटैचमेंट था इसका, और एक अटैचमेंट है ये वाला। इससे हमने अपनी गाड़ियाँ साफ़ की हैं इस अटैचमेंट से, इस ब्रश से भी। इस अटैचमेंट से जो विंडो के इर्द गिर्द जो डस्ट इकट्ठा हो जाता है वो निकलता नहीं है, इससे मैंने वो भी साफ किया है। ब्लोअर फंक्शन, किसी भी फर्श पर आसानी से मूव करने वाले व्हील्स। इससे मैंने सोफे और बेड वगैरह साफ किए क्योंकि मेरा वेलवेट का फर्नीचर है सारा, ठीक है? इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसकी वायर इतनी लंबी है कि इसको आप आराम से लेके घूम सकते हो, कम से कम जो है वो 4 मीटर से भी लंबी इसकी वायर है। मैंने खुद ही सारे इसके जो अटैचमेंट है वो खुद ही अटैच कर लिए थे। अच्छा, जब ये डस्टबिन फुल हो जाता है तो आप इसको यहाँ से खोल के निकाल सकते हो, और जब डस्टबिन अगर फुल हो जाता है आपने साफ नहीं किया तो ये वाली चीज बनी हुई है इसकी कि यहाँ से वो खुद बहुत कचरा बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो ये वाला डर नहीं है कि ये फुल भर जाएगा तो क्या करेंगे ये वो। फिर यहाँ इसके से लॉक बने हुए हैं जिसको आप खोल सकते हो ऐसे, और कचरा वगैरह निकाल सकते हो इसके अंदर से दोनों तरफ। ये देखिए, इसको यूज करना इतना आसान है कि आप इसको एक हाथ से भी खोल सकते हो। तो यहाँ पे इसके से जाली लगी होती है ये, और इस जाली को वॉश कर लिया करें आप। इसको हाथ के हाथ साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ये देखें इसमें कचरा भी थोड़ा सा ही इकट्ठा हुआ है, जाली के भी कचरा इकट्ठा हुआ है, डस्ट देखें कितनी इकट्ठी हुई है। और ये ज़्यादातर जो डस्ट है ना वो मैं इसे झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, बेड फर्नीचर वगैरह ही साफ करती हूँ मोस्टली। और कभी कभार कोई कचरा नीचे पड़ा हुआ तो फिर वो उठा लेती हूँ, जो सफाई हुई हुई है बच्चों ने कचरा मचा दिया तो वो उठा लेती हूँ। लेकिन बेड से सोफों से मैंने मेन जो मेरा पर्पज़ था ना वो था कि जो पर्दे लटके होते हैं उससे डस्ट सक कर ले, बेड से सोफों से डस्ट सक कर ले, तो ये उसके लिए मेरा बेहतर ग्रीन यूज हो रहा है। मैं भी आपको उसका यूज भी दिखाती हूँ, उसकी सक्शन पावर भी दिखाती हूँ कि कैसी है। अभी देखिए हमने वहां से इसका बटन ऑन कर दिया है, अब यहाँ से बटन ऑन करूंगी और जो डस्ट वगैरह पड़ी हुई है वो उठा के दिखाऊंगी। मेरे इसका जो वैक्यूम जो खुद गंदा हुआ है वो भी साफ करके दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे पार्सल्स आते हैं तो ये जो बबल बबल है सारे घर में फैल जाता है, और फिर आपको पता है उठता भी नहीं। मैं आपको ये भी साफ करके दिखाऊंगी कि कैसे खींचता है इसको। तो मैं इसको ऑन कर रही हूँ, इसका साउंड ऐसा आता है। के दिखाती हूँ कि ये कैसे मट्टी वगैरह खींचेगा यहाँ से, ठीक है? मट्टी जो इसके ऊपर लगी हुई थी, जो इन सुराखों में मट्टी थी वो देख लें, वो भी इसने सारी जो है सक कर ली है मट्टी। तो इसका ये वाला अटैचमेंट है ना, इससे आप जो खिड़की के इर्द गिर्द डस्ट होती है, जो आपकी गाड़ी में डस्ट है कोनों खुदड़ों में, क्योंकि ये बनाया इस तरीके से हुआ है, इसके जो शेप है कि आप वहां से भी डस्ट निकाल सकते हो अच्छे से। ओके, उसके बाद है जी इसका ये वाला अटैचमेंट। ये वाला अटैचमेंट काम आता है जैसे कोई सोफे वगैरह पे कहीं पर कोई दाग लगे हुए तो आप उसको साफ साफ इसको साथ कर लो। और ना ये वाला वैक्यूम जो है ना, वैसे वैक्यूम गीले पे नहीं चलता, लेकिन ये वाला वैक्यूम गीले पे भी चल जाता है। जैसे ये वाला एरिया साफ किया है, ये वाला एरिया साफ नहीं किया, तो ये वाला एरिया देखें पूरा लंबाई में कितना साफ हो गया है इस ब्रश की मदद से, और ये वाला एरिया जो है अभी भी गंदा ही है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली साफ कर सकते हो ये वाला अटैचमेंट लगा के। तो ये वाला जो अटैचमेंट है ना, ये वाला अटैचमेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज होता है। इसके नीचे ना यहाँ पे ब्रश भी है, जब आप इसको ऐसे प्रेस करते हो यहाँ से ये, तो देखें इसके ब्रशेस निकल कर आ गए। ये आप इससे सफाई भी कर सकते हो, इससे बेड साफ कर सकते हो, सोफे साफ कर सकते हो, फर्श भी साफ कर सकते हो इससे। Thank you.
अपनी कुर्सी वगैरह, बेड वगैरह, अपना जो स्टोरेज बॉक्स है वो सब कुछ साफ कर लिया था। इसका प्रेशर काफी अच्छा है, ये मैंने 12,000 का लिया था। इससे डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाती है सारी, इवन फ्लोर भी साफ करना हो तो वो भी साफ हो जाता है। और बाद में निकाल के आप वैक्यूम से कचरा वगैरह फेंक दे। मैं आपको ना बिफोर आफ्टर दिखाती हूँ एक चेयर का, आपको समझ आ जाएगा। तो कुर्सी देखने वाली कितनी साफ हो गई, आपको मैं दोनों कुर्सी साथ रख के दिखा रही हूँ बिफोर आफ्टर। और आपको जो इसकी हाथी है ना वो भी नजर आ रही होगी कि साफ हो गई है। मैंने इसका सीट बेचने वाला भी साफ कर दिया है। रेगुलर नहीं मैं साफ कर रही हूँ, बस मंथ में एक दफा मैं साफ कर रही हूँ। अभी मैं बेड की डस्टिंग करने लगी थी तो मैंने ये वाला टेबल कर लिया, आपको नजर आ रहा होगा सही पिंक पिंक हो गया ये। बस मैंने ना इसकी ये वाली चीज तो डस्टिंग कर ली है, आपको नजर आ गई है साफ सुथरी हो गई ये वाली चीज। अभी ऊपर डस्ट डस्ट पड़ी हुई आंधी आके ना सारा वैक्यूम करती हूँ, इसको ऑन करने लगी हूँ। इसको कमरा हो गया हमारा साफ सुथरा, ठीक है। मैंने बेड वगैरह साफ कर दिया है, सोच रही हूँ कैंडल लगा लूँ यहाँ पे, थोड़ा सा खुशगवार सा एहसास आया। इसके बाद है ये वाला अटैचमेंट। वैसे मैं ये वाला अटैचमेंट जो है ना इसके पाइप को लंबा करने के लिए यूज करती हूँ। मुझे इसका पाइप लंबा करना हो तो फिर मैं ये वाला अटैचमेंट भी साफ में लगा लेती हूँ। रही इसकी प्राइस की बात तो ये मैंने 12,000 का लिया था, और 12,000 में 25 लीटर वैक्यूम क्लीनर जिसकी पावर जो है वो 2500 वाट, और मेरा ख़राब भी नहीं हुआ, वायर इसकी बहुत अच्छी है, व्हील लगे हुए हैं इसके। और मैंने इसको ना होटल्स में यूज़ करते हुए देखा था सर्वेंट्स को, तो उस वजह से मैंने इसको बाय किया था। इसके अलावा ना इसका एक और भी आता है विच इज़ कॉल्ड कारपेट क्लीनर, जिसके अंदर आप सर्फ वगैरह डाल देते हो और वो आपका कारपेट है या बेड वगैरह है, जैसे सऊदीया में यूज़ होते हैं जो मस्जिद नबवी में और खाना काबा में, वो कारपेट क्लीनर होते हैं। छोटी सी मशीन होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो भी, वो मैंने ऑर्डर की हुई है सऊदीया से, जब आएगी तो दिखाऊंगी आपको। तो वो ना वॉश भी करती है साथ, ड्राई भी कर देती है बिल्कुल ही, और क्लीन भी कर देती है। तो जब वो आएगी तो वो भी दिखाऊंगी। वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी रीजनेबल है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। अब मुझे ना बेड वगैरह सोफे वगैरह साफ करने में बहुत आसानी हो गई है इसकी वजह से। सोफों के कवर उतार रहे हैं, फिर आपको पता है डस्ट बैठ जाती है नीचे, तो वैक्यूम लगा के वो सारी डस्ट साफ की। वैसे वैक्यूम से ना काफी आसानी होगी, सोफा ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। जब मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं था, यकीन करो मैं घिसती रहती थी टेबल्स को, बेड को, और इसका जो स्टोरेज बॉक्स है वो। मैं कहती थी अल्लाह मैंने क्यों ले लिया वेलवेट का फर्नीचर, क्योंकि बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनके हाथ में होते हैं पेन पेंसिल, और जैसे वो देखते हैं ना कि माँ बाप का ध्यान यहाँ आए तो वो फौरन से बेड पर लिख देंगे, दीवारों पर लिख देंगे, जो चीज उनको नजर आ रही होती है ना कि इस पर लिखा जा सकता है वो उस पर लिख देते थे। और उम्र में जाने से पहले तक ना मेरा फर्नीचर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं बच्चों के पीछे पीछे रहती थी हर वक्त। जब मैं उम्र में गई ना और मैं वापस आई ना, तो मेरे फर्नीचर का ये हाल था कि कोई चीज ऐसी नहीं थी बेड की या टेबल्स की या स्टोरेज की जहाँ बच्चों ने पेंसिलों से और पेन से लिखा ना हो। और मुझे इतना गुस्सा आया, पहले तो मैंने साइड टेबल्स वगैरह तो साफ की घिस घिस के, उसके बाद मैंने बोला भाड़े में जाए यार, मैं जा रही हूँ वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए। उसी टाइम जाके मैं वैक्यूम क्लीनर लेकर आई हूँ, और आप देखें मेरा बेड, टेबल और इसके अलावा स्टोरेज बॉक्स, चेयर्स देखें, और ये वैक्यूम क्लीनर उसी दिन आया था। और आप देखें कमरा कितना नीट एंड क्लीन हो गया मेरा फौरन से, मुझे हाथ घिसते। तो रिकमेंडेड है, अगर कोई बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है इस चैनल के ऊपर। जो बर्तन वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं खुद बाय करती हूँ आप लोगों को रिव्यू देने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी लोग मुझसे इसका रिव्यू मांग रहे थे कि आप यूज़ कर रही हैं, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में आया है ये, मेरा काम खत्म हो गया, मुझे सोफे जो साफ करने पड़ते थे घिसना पड़ता था, हाथ थक जाते थे यार, मेरे बच्चे हैं छोटे, ऑब्वियसली जितना मर्जी रोको बच्चे कहीं ना कहीं लाइनें मार जाते हैं, गंद मचा ही जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है। तो ये जो है ना, जैसे अगर कोई बेड पे कुछ गिर गया या सोफे पे कुछ गिर गया तो ड्राई करना हो तो ये ड्राई भी कर देता है फौरन से, क्योंकि इसकी सक्शन पावर 2500 वाट है आखिर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका बॉक्स भी था जो कि मेरे पास छत पे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती, लेकिन अभी वो छत पे जाना पड़ेगा स्टोर रूम में। तो काफ़ी अच्छा है, मैं इसकी सैम्पल वीडियो भी एक चला दूंगी, वेस्ट पॉइंट में भी आता है एक सेम वैसा ही, आप वो भी बाय कर सकते हो। जो वैक्यूम क्लीनर आम वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले में बहुत ज्यादा काम, इसकी 2200 वाट टर्बो पावर मोटर से मिले जबरदस्त सक्शन पावर और मजबूत स्टील बॉडी से मिले आम वैक्यूम क्लीनर से कहीं ज्यादा गुंजाइश। वैक्यूम क्लीनर भर जाने की सूरत में इंडिकेटर्स ऑन, इसकी सफाई बहुत आसान। ब्लोअर फंक्शन, किसी भी फर्श पर आसानी से मूव करने वाले व्हील्स, 5 मीटर लंबी पावर कोर्ड के साथ कोर्ड रिवाइंड रूफ। अपने घर को साफ सुथरा बनाइए और वेस्ट पॉइंट वैक्यूम क्लीनर घर ले आइए। तो जोन साहब का दिल करता है बाय कर सकते हो, वेस्ट पॉइंट, सिनबो, ये सब काफी अच्छे जा रहे हैं। एनएक्स का जो है ना वैक्यूम वो अच्छा नहीं है, उसकी सकिंग पावर अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने एनएक्स का रोटी मेकर लिया था, क्योंकि जब तक वॉट पूरे नहीं होंगे ना बिजली के तो वो वर्क ही नहीं करेगा। जैसे मेरे पास एनएक्स का रोटी मेकर है वो 3000 वॉट का नहीं है, अगर आपको रोटी मेकर चाहिए अच्छा तो आपको 3000 वॉट का लेना पड़ता है, और वो वेस्ट पॉइंट में आता है 3000 वॉट का। तो वेस्ट पॉइंट अभी काफी अच्छा जा रहा है, अगर आप उसका लेना चाहते हो तो वैक्यूम क्लीनर आप उसका भी ले सकते हो। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ये था मेरा रिव्यू इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।